नमस्कार। इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं, जिन्हें हम श्राद्ध भी कहते हैं, और ये एक ऐसा समय होता है जब हम उन अपनों के लिए पूजा, प्रार्थना, दान करते हैं जो हमारे बहुत अपने थे लेकिन हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। हमारे अपने इस दुनिया से तो चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो श्राद्ध के समय में मैं एक ऐसा खत पढ़ रही हूँ जो एक तरह से कह सकते हैं एक शब्दांजलि है, एक पत्नी की जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपने पति को खो दिया था। ये लिखती हैं, डियर रिचा मैम, माय नेम इज डॉक्टर डालिमा परवानी, आई लिव इन भोपाल एंड आई एम राइटिंग द स्मॉल लेटर विथ फीलिंग्स ऑफ लव फॉर माय लेट हस्बैंड कैप्टन धर्म परवानी whom I lost in December 2018. मेरे प्रिय धर्म, मैं इंतजार करूंगी खामोशी से मेरे खत का जवाब दे देना। जज्बातों को अल्फाजों में समेट रही हूं, मैं अपने इश्क के पैगाम तुम्हें भेज रही हूं। जो वीरान है ये गलियां तुम्हारे बिना, इनके एहसासों के सैलाब भेज रही हूं। मैं तुम्हें अपनी खामोश आवाज भेज रही हूं। तन्हाई में अक्सर तुम्हारी यादें मुझसे बातें करती हैं, तुम्हारे खत मुझे खामोशी से भेजा करती हैं। तुम्हें महसूस मैं अपने अंदर हर लम्हा करती हूँ। उस खुदा के करीब हो तुम, पर तुम्हें हमेशा अपने दिल में रखती हूँ। तुम्हारा चले जाना मेरे इश्क को कम नहीं करता, खूबसूरत है मोहब्बत मेरी इस सच को जाहिर करता है। तुम खामोशियों की चीख से बसते हो मुझ में, तुम्हारा अक्स अब भी मुझ में बाकी सा लगता है। ये घर तुम्हारे रहते महफिल सा हुआ करता था, तुम्हारे जाने के बाद हर वीरान कमरे में तुम्हें ढूंढती हूँ। तुम्हारी याद में छलकते आंसू अक्सर छुपा लेती हूँ दुनिया से, तुम मुझ में अभी बाकी हो ये मुस्कुराकर जमाने को बता देती हूँ। हाँ, तुम्हारा ना होना मुझे कभी कभी अंदर से बिखेर देता है। बिखरे टुकड़ों को अक्सर मैं फिर से समेट लेती हूँ। तुम्हारा ना होना गर दर्द है तो तुम्हारी यादों से मरहम कर लेती हूँ। उस खुदा के पास हो तुम जरूर, पर मेरे करीब आज भी हो। मेरे आने तक इस प्यार के सफर को समेट रहे हो तुम, जज्बातों के शोर में आज भी हो। खुदा के पास हो तुम तो रहो, पर मेरे खुदा तो तुम ही हो। मोहब्बत इबादत मेरी तुम ही से शुरू होती है, तुम पर ही खत्म हूं मैं, इसका सबूत भी तुम ही हो। तुम्हारी यादों की बातें, मुलाकातें मुझे आज भी हौसला देती हैं। बिखरी हूं अगर अंदर से, मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट समेट लेती है। जिम्मेदारियों से मैं हारती नहीं हूं अभी, ये तुम्हारी इनायत ही तो है जो मुझ पर बनी रहती है। मेरे खत का जवाब फिर मुझे हमेशा की तरह अपनी खामोशी से दे देना। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा, तुम फिर मुझे अपनी नजरों से सजा देना। ये दिल कभी धड़का नहीं रूह से कभी तुम्हारे जाने के बाद, जिस्म के फर्ज निभाकर धड़कता है। तुम इन धड़कनों को फिर आसमां से बरसकर मुकम्मल आसरा दे देना।
मैं इंतज़ार करूँगी खामोशी से मेरे ख़त का जवाब दे देना। सिर्फ तुम्हारी डालिमा परवानी, भोपाल से। डालिमा जी, आपने तो भावुक कर दिया, और इतना खूबसूरत ख़त। सिर्फ एक पत्नी ही नहीं जो अपने पति के लिए लिख रही है, एक संगिनी है, एक दोस्त है, एक जीवन साथी है, एक साथी है, एक दोस्त है। हम में से कोई भी जो इस वक्त किसी अपने को बहुत दिल से याद कर रहा होगा, वो इस ख़त के दर्द को, मर्म को समझ पाएगा। डालिमा जी, मुझे यकीन है कैप्टन धर्म परवानी इस ख़त का जवाब भी आपको बहुत खामोशी से दे ही देंगे।